हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल था कि सर हमने आईआईटी जेएम काउंसलिंग का एडमिशन फॉर्म तो फिलअप कर दिया है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि वो फाइनली सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अगर फाइनली सक्सेसफुली सबमिट हो गया है तो इसके बाद में हमें क्या करना होगा। तो स्टूडेंट्स, इसको लेकर हम थोड़ा डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, जैसे आपने देखा होगा कि आपका जो लास्ट स्टेप है वो आपका ये डिक्लेरेशन वाला है। इस पर आपको ये जो कंडीशन दे रखी है इनको एक्सेप्ट करके आपको क्या करना होता है, सेव एंड व्यू करना होता है। उसके जस्ट बाद आपको फाइनल सबमिट करके आपको पेमेंट कर देना होता है। और स्टूडेंट, जैसे आप पेमेंट कर देते हैं तो स्टूडेंट्स आपका जो मेन पेज है, आपका जो डैशबोर्ड है आईटीजीएम काउंसलिंग के एडमिशन पोर्टल का, वो ये वाला शो करता है कि आपका जो स्टेटस है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो एक्सेप्ट हो गया है। अगर ये वाला स्टेटस शो कर रहा है तो स्टूडेंट्स आपका डेफिनेटली आपका एप्लीकेशन फॉर्म वो फाइनली सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, अगर ये स्टेटस आपका शो कर रहा है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका एडमिशन फॉर्म है फाइनली सबमिट हो चुका है। इसके साथ अगर आप चॉइस फिलिंग में किसी प्रकार का चेंज करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आपके पास 24 अप्रैल तक का टाइम है। 24 अप्रैल तक आप अपनी चॉइस में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल है, आप कर सकते हैं। इसके बाद में अगर डेट एक्सटेंड नहीं होगा तो आपका चॉइस फिलिंग है वो लॉक हो जाएगा, उसके बाद चेंज नहीं कर पाएंगे। अब आपके दिमाग में यह भी सवाल आएगा कि सर हमारा जो एडमिशन फॉर्म है वो फाइनली सक्सेसफुली सबमिट तो हो गया है, लेकिन अब इसके बाद क्या करना है, अब हम क्या करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हवर नहीं करना है, आपको वेट करना है। क्या करना है, आपको वेट करना है। किसका? वेरिफिकेशन का। लास्ट डेट खत्म होने के बाद स्टूडेंट्स आपके जो एडमिशन फॉरम है, आपका जो फॉरम है वो अंडर स्क्रूटनी में जाएगा। हालांकि इसका आपको मैसेज भी मिला होगा कि आपका एप्लीकेशन फॉरम वो अंडर स्क्रूटनी में है, यानी वेरिफिकेशन के लिए गया है। तो 24 अप्रैल के बाद लगभग आपके वेरिफिकेशन स्टार्ट होंगे। जिन भी स्टूडेंट ने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उनको वेरीफाई किया जाएगा। किसी भी स्टूडेंट के कोई किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा या कोई गलत डाटा फिल कर दिया है या कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, तो ऐसे जो भी स्टूडेंट है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनको डिफेक्ट मिल जाएगा। और डिफेक्ट मिलने के बाद स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा, रिएक्टिफाई करना होगा। अगर आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है तो वो आपको फिर से रिएक्टिफाई करना होगा, चेंज करना होगा। कोई गलत डिटेल फिल कर दिया तो उसको आपको करेक्शन करना होगा। अगर नॉर्मल कोई डिटेल आपने गलत फिल कर दी है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो इग्नोर किया जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। और जैसे स्टूडेंट वेरिफिकेशन में आपका सब कुछ सही होगा या कोई दिक्कत भी होगा तो उसको रिएक्टिफाई करने के बाद स्टूडेंट्स आपका फाइनली प्रॉपर वेरिफिकेशन होने के बाद आपको फिर से इस तरह का ईमेल आएगा कि आपका सब कुछ सही है और आप बिल्कुल जो है काउंसलिंग का राउंड का वेट कीजिए, आपका फाउंड इन ऑर्डर एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। तो ये वाला ईमेल आना स्टार्ट होंगे 24 अप्रैल के बाद। जैसे ही इस तरह का ईमेल आना स्टार्ट होगा हम आपको फिर से अपडेट कर देंगे। और जो भी स्टूडेंट फाइनल फॉर्म को सबमिट कर चुके हैं प्लीज वो अपने जेएम कैंडिडेट पोर्टल पे अपडेट रहिए। किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो वहां पर शो करेगा कि आपके ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक कीजिए। तो 24 अप्रैल के बाद आप अपने फॉर्म को डेली आप चेक करते रहिए लॉग इन करके। तो स्टूडेंट्स, ये सेशन केवल आपको अवेयर करने के लिए था, आपको अपडेट करने के लिए था। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक इंतजार बनाए रखें। थैंक यू।